नमस्कार दोस्तों, सीए मनीष तरडीजा एक बार फिर आपके साथ फ्रॉम एकत्वम एकेडमी। आज का वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीए फाउंडेशन जून 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर आखिर किस तरह से आता है। अगर हम पास्ट पेपर्स को ध्यान में रखें तो ICAI ने आपके पेपर को डिवाइड किया है टोटल 6 क्वेश्चंस में और पूछती है 125 मार्क का पेपर, जिसमें से क्वेश्चन 1 होता है कंपलसरी और बाकी के 5 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने होते हैं 4 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को 20-20 मार्क अलोकेटेड है, हालांकि एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी जाती है और इसीलिए वो पेपर हो जाता है 125 मार्क का। इसमें से लगभग 20-25 मार्क ये थ्योरी पे पूछे जाते हैं, याद रखिए। जिसमें से क्वेश्चन 1 होता है थ्योरी, कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और इसमें कई बार यह ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यह ट्रू और फॉल्स के अलावा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली चैप्टर 1 जो आपका है उस पर थ्योरी के लगभग 5-8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के थ्योरी क्वेश्चंस आपके बाकी सारे चैप्टर्स को अलोकेटेड हैं, जो कि आप जिस तरह से चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे उस तरह से उसको सॉल्व कर उसको आप लिख पाओगे। जहां तक बात है न्यूमेरिकल्स की, तो फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, इन 5 चैप्टर्स पे लगभग हर बार सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे गए हैं। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, इन्वेंटरीज, डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज पे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी करते समय आपको इन चीजों को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। याद रखिए 20 मार्क थ्योरी को अलोकेटेड होते हैं, ये हमें नहीं छोड़ने हैं। थैंक यू।